चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो हम मान लेते हैं कि लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस वन। हमने ये क्यों एज्यूम किया, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है बिल्कुल साथ साथ में आने वाले, जैसे अगर एक 3 है तो दूसरा क्या होगा 4, और 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है 1 का, है ना। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस वन। तो हमने मान लिया कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है हमारे पास x और x प्लस वन। अब उसने बोला है क्वेश्चन में कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 306, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई करने पे 306 आना चाहिए। तो x को x प्लस वन से मल्टीप्लाई करूं तो 306 आना चाहिए, ठीक है। तो अभी उसके बाद उसने बोला है फाइंड इंटीजर, इंटीजर पता कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। अब 306 को इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। तो देखिए यहाँ पर बड़े ही आसानी से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो गई है। अब इसको आप फैक्टराइजेशन यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड मैं आपको इस चैप्टर में कराने वाला हूं, पर वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, इसीलिए अभी मैं उसको नहीं करा रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको ये सेकेंड पार्ट समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं।